ग्रीस स्टडी वीजा के बारे में बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं कि अगर हम ग्रीस स्टडी वीजा लेकर आए ग्रीस के अंदर तो हमें ग्रीस के अंदर स्टे करना चाहिए या हमें सेकंड डे नेक्स्ट डे हमें पोर्चुगल स्पेन इटली फ्रांस जर्मनी हमें चले जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन मेन मोटिव यही है कि हम ग्रीस का वीजा लें और हम पोर्चुगल चले जाएं या किसी और शेंजन कंट्री में चले जाएं क्योंकि हमारे रिलेटिव्स वहां पर बैठे हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर आप ग्रीस का स्टडी वीजा लेते हैं या ले चुके हैं, हमें ग्रीस के अंदर स्टे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या एडवांटेज रहेंगी क्या डिसएडवांटेज रहेंगी, तो प्लीज वीडियो को पूरा देख लेना क्योंकि इसके अंदर आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो से। तो चलते हैं पहले वीडियो शुरू करते हैं, पहले बात करते हैं ग्रीस स्टडी वीजा लेकर अगर आप यहां पर आते हैं तो क्या क्या माइंड के अंदर आपके होना चाहिए। अगर आप ग्रीस का स्टडी वीजा लेकर आते हैं, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो ग्रीस आपके लिए काफी अच्छा है, राइट। अगर आप सोचकर आ रहे हैं कि मैं ग्रीस के अंदर जाऊं स्टडी वीजा लेकर और मैं वहां पर बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग कर लूं, मैं पैसे ही कमाना चाहता हूं, दैट्स इट, तो ग्रीस आपके लिए वो डेस्टिनेशन नहीं है। अगर आप हाँ अपनी स्टडी कर रहे हो, साथ साथ अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, समर के अंदर काफी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, 1000 यूरो 1200 यूरो आप इजिली अर्न कर जाते हो और आपके लिए इजी रहता है, आपकी स्टडी अच्छी कंप्लीट हो जाती है, राइट। तो इस बिहाव से आपके लिए ग्रीस स्टडी वीजा लेना बहुत अच्छा है। बट काफी ज्यादा बच्चे मेरी वीडियोस के अंदर आपने देखा हुआ है, बहुत ज्यादा बच्चे आए हैं मेरे से मिले हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उनको प्रोवाइड की हुई है, ग्रीस भी उनको मैंने घुमाया, राइट, उनको एथेंस के अंदर मैंने घुमाया, इधर सारी ट्रेवल करवाया और सेकंड डे थर्ड डे वो पोर्चुगल चले गए, कुछ इटली चले गए, कुछ स्पेन चले गए, तो वो भी वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की हुई है। तो बात यह है कि अगर आपके रिलेटिव्स हैं पोर्चुगल के अंदर या स्पेन के अंदर तो आपके लिए बेटर है आप सेकंड डे थर्ड डे जब भी आप ग्रीस का स्टडी वीजा लेकर आए दूसरे या तीसरे दिन आप चले जाएं यहां पर। अगर आपका कोई भी मोटिव नहीं है स्टडी करने का तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगी, ग्रीस आपको 100% वीजा दे रहा है अभी 2022 के अंदर, राइट, क्योंकि पोर्चुगल के अंदर आपको भी मालूम है वहां पर पेपर बन जाएंगे इजिली, अगर आप क्योंकि आप लीगल एंटर करोगे तो आपको नियर अबाउट 1 ईयर के अंदर आपके पेपर बन जाएंगे। स्पेन के अंदर अगर आप एंटर करते हो तो आपको नियर अबाउट 3 साल काम करने के बाद आपके फोर्थ ईयर स्टार्ट होगा तो आपके वहां पर पेपर बन जाएंगे। तो ये रहा आपका बेनिफिट कि आप शेंजेन जोन का अपना सपना साकार कर पाएंगे। बाकी रहेंगे वो दूसरे बच्चे, कई बच्चे ऐसे भी आते हैं हम ग्रीस में आकर आगे जाना चाहते हैं बट हमें कोई संभालने वाला नहीं है, हमें कोई जानता नहीं है, तो अगर ग्रीस में आप रहोगे तो वहां पर तो चलो मैं बैठा हूं आपकी हेल्प करने के लिए, जब मर्जी आप मेरे को याद कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं फ्री हूं तो आपकी मैं जरूर हेल्प करता हूं, राइट। तो ग्रीस के अंदर स्टडी करने के लिए आपको 3-4 महीने यहां पर अपना स्पेंड कीजिए, आफ्टर 4-5 मंथ आपका एक रेजिडेंट परमिट बन जाता है जिसके ऊपर आप पूरा शेंजेन जोन ट्रेवल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ट्रैवल कर सकते हैं, 3-4 महीने रहिए, अपना कार्ड बनाइए यहां पर, देन आपको जब समर हॉलीडेज होंगी आप पोर्चुगल चले जाएं या स्पेन चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, उनको एक्सप्लोर कीजिए पहले कि हाँ मैं वहां पर जाकर रह सकता हूं, सर्वाइव कर सकता हूं या नहीं कर सकता, या मेरे को ग्रीस में ही अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वर्क वीजा अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ग्रीस के अंदर ऐसे कुछ कॉलेज हैं, आईएसटी कॉलेज है, हेलनिक यूनिवर्सिटी है और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है जो कि आपको आफ्टर 1 ईयर आपको यूएसए भी सेंड करती है, आफ्टर 1 ईयर आईएसटी कॉलेज जो आपको जर्मन में सेंड करता है, और एएएस कॉलेज है जो आपको आफ्टर 1 ईयर आपको यूके में भी सेंड करते हैं, आपको आपकी जो स्टडी है ट्रांसफर हो जाती है आगे नेक्स्ट कंट्री के अंदर। अगर आपका कोई ऐसा मोटिव है कि आप जर्मन में जाना चाहते हैं तो आईएसटी कॉलेज को चूज कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आप 1 ईयर स्टडी करने के बाद सेकंड ईयर आप जर्मनी के अंदर स्टडी करेंगे, स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको 18 महीने का 18 मंथ्स का आपको वर्क परमिट प्रोवाइड किया जाएगा जर्मनी के अंदर, राइट। अगर आप हेलनिक यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं वहां पर फीस काफी ज्यादा होगी और बट वहां पर अगर आप अपनी अटेंडेंस एंड स्टडी कंप्लीट करते हैं तो आपको सेकंड ईयर आपको यूएसए जाने का मौका मिल जाता है, तो आप अमेरिका जाकर अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। तो यूके जाने के लिए भी आपके पास यहां पर अपनी स्टडी कंप्लीट कीजिए, आप यूके जा सकते हैं वहां पर अपनी हायर स्टडी के लिए, वहां पर अपना वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स जो आएंगे कि सिर्फ अर्निंग करनी है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए आना चाहते हैं ग्रीस के अंदर, तो उनके लिए मैंने पहले भी बताया कि ये डेस्टिनेशन नहीं है। आप यहां पर एज अ स्टूडेंट यहां पर 300-400 यूरो अपना अर्न कर पाएंगे बट काम आपको फुल टाइम ही करना पड़ेगा, पार्ट टाइम की कोई वैसे आपको पार्ट टाइम ही अलाउ होता है बट यहां पर आप फुल टाइम ही काम करेंगे तो आप 800 यूरो 700 से लेकर 800 यूरो तक इजिली अर्न कर पाएंगे। 800 यूरो अर्न करेंगे बट आपके जो एक्सपेंसिस रहेंगे वो 250 से लेकर 300 यूरो आपके मंथली एक्सपेंसिस रहेंगे, तो भी आप 500 यूरो अपना सेव कर पाएंगे बट आपको साथ साथ साइड बाय साइड आपको अपनी स्टडी भी कंप्लीट करनी पड़ेगी ताकि आपका जो
जो वीजा है, जो स्टूडेंट वीजा होगा, वो आप उसके अंदर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के अंदर आप कन्वर्ट कर पाए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आपका ड्रीम है सिर्फ पोर्चुगल जाना, स्पेन जाना या शेंजन जोन के अंदर एंटर करना, तो ग्रीस स्टडी वीजा आज के टाइम के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पोर्चुगल जाए, स्पेन जाए, इटली जाए, जहां मर्जी चले जाए, सेकेंड डे आपको जो है डोमेस्टिक फ्लाइट लीजिए और चले जाइए, राइट। अगर आप यहां पर रहकर रहना चाहते हैं और पार्ट टाइम और स्टडी करना चाहते हैं, देन ग्रीस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, एंड आप यूरोपियन कल्चर को एक्सप्लोर कर पाएंगे, तो बहुत ही अच्छी जो है डेस्टिनेशन रह पाएगी। सो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के क्वेश्चन आते थे कि हमें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। आई होप आपका जो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर किसी तरह की कोई भी और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको प्रॉपर वे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।